कोतवाली अस्कोट में तहसील बंगापानी निवासी एक व्यक्ति ने 19 जनवरी 2023 को सूचना दी कि 17 जनवरी की रात चार अज्ञात लोगों ने उसकी नाबालिग पुत्री का अपहरण कर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। अस्कोट थाने में विभिन्न धाराओं व पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया। एसपी लोकेश्वर सिंह के निर्देश पर गठित टीम ने विवेचना के दौरान प्रकाश में आए आरोपी नवीन उम्र 19 वर्ष निवासी कौली कन्याल बंगापानी गिरफ्तारी से बचने को फरार चल रहा था। उसके खिलाफ न्यायालय ने गैर जमानती वारंट जारी कर दिया था। पुलिस ने गहन पतारसी सुरागरसी करते हुए आरोपी को प्लेटफॉर्म नंबर 9 पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि टीम में कोतवाली पिथौरागढ़ के SSI प्रकाश पांडे, प्रभारी SOG हेम तिवारी, SI मीनाक्षी देव, जितेंद्र कुमार, सतेंद्र सुयाल, कुलदीप शामिल रहे। पिथौरागढ़ में चैतौल पर्व के दूसरे दिन नगर के घंटाकरण में चार गांवों से आए देव डोलों का मिलन हुआ। इस दौरान लोक देवताओं की जयकारों से आकाश गुंजायमान हो उठा। घंटाकरण में चैतौल देखने के लिए शाम 4 बजे से ही लोगों का हुजूम उमड़ना शुरू हो गया था। शाम 6:30 बजे गांव से देव डोले पहुंचे। लोक देवताओं ने अवतरित होकर क्षेत्रवासियों को आशीर्वाद दिया। इस दौरान लोगों ने फूल अक्षत चढ़ाकर लोक देवताओं की अर्चना की। बता दें कि देव डोलों के मिलन के बाद डोले अपने अपने क्षेत्र की ओर प्रस्थान कर गए। देर रात तक विधि विधान से देव छत्र विसर्जित किए गए। जातपंत सतगढ़ गांव में भी गुरुवार को चैतौल पर्व की धूम मची रही। हजारों लोगों ने विधि विधान से लोक देवताओं की अर्चना कर आशीर्वाद। भाजपा का स्थापना दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दौरान वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया। भाजपा कार्यालय में प्रदेश उपाध्यक्ष कैलाश शर्मा और जिला अध्यक्ष गिरीश जोशी ने ध्वजारोहण किया। साथ ही वर्चुअल माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन सुना। बता दें कि इस मौके पर जिला पंचायत अध्यक्ष दीपिका बोरा, महामंत्री राकेश देवलाल, अधिवक्ता गंगा सिंह बाफिला, लाल सिंह रावत, प्रेमा सेन, मोहन सिंह बसेड़ा, राधेश्याम यादव, पालिका अध्यक्ष राजेंद्र रावत, डॉक्टर राजेंद्र खरकवाल, सुरेश तिवारी, सुनीता चौहान समेत कई वरिष्ठ कार्यकर्ता मौजूद रहे। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष सुमित्र भुल्लर व जिला प्रभारी धीरेन्द्र गैलाकोटी की मौजूदगी में जिला अध्यक्ष अभिषेक बोहरा की संस्तुति पर विधानसभा अध्यक्ष प्रणीत मेहर द्वारा विधानसभा कार्यकारिणी का विस्तार किया गया। इसमें रजत विश्वकर्मा उपाध्यक्ष, मोहित पांडे, संजय कुमार और भूपेंद्र ऐरी को महासचिव बनाया गया है। गंगोली हाट में निखिल शाह को उपाध्यक्ष, विक्की बिस्ट, सनी टमटा और परवेज आलम को महासचिव बनाया गया है। जोशी की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार पिथौरागढ़ में जिला योजना के परिव्यय के संबंध में बैठक हुई। डीएम ने अधिकारियों को जिला योजना के अंतर्गत प्रस्ताव बनाकर 12 अप्रैल तक प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्वरोजगार कार्यों को बढ़ावा देने वाले प्रस्ताव बनाने को कहा। बैठक में अर्थ संख्या अधिकारी निरंजन प्रसाद ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 की जिला योजना का परिव्यय 66,44,48,000 रुपए प्राविधानित है। बता दें कि बैठक में CDO वरुण चौधरी, DFO जीवन मोहन दगाड़े, DDO रमा गोस्वामी, CMO HS यांकी समेत विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। सोरघाटी में चैतौल का पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। देव डंगरों ने अवतरित होकर लोगों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद दिया। बता दें कि
और घाटी के 22 गांव में देवल समेत बाबा का डोला अपनी बहनों को बिटोला देने जाता है। इस दौरान वातावरण जयकारों से गूंजता रहा। मुनाकोट के बिलाई से चैतौल, खतेड़ा, सिमलकोट, खड़ायत गांव, दिगा, सिपुलकोट का भ्रमण कर वापस बिलाई पहुंचा। इस मौके पर पुजारी नीलाधर भट्ट, मंदिर कमेटी अध्यक्ष जीवन सिंह, कोषा अध्यक्ष अशोक सिंह, प्रधान पूजा बोहरा समेत दर्जनों ग्रामीण मौजूद रहे। झूलाघाट पिथौरागढ़ सड़क पर हो रहे डामरीकरण की गुणवत्ता की लोगों ने जांच की मांग की है। बड़ालू से ग्वाली तक 8 किलोमीटर पर लोनीवी डामरीकरण कर रही है। डामर कुछ ही दिन में उखड़ जा रहा है, इससे क्षेत्र के लोगों में रोष पनप रहा है। मजिरकांडा निवासी उमेश भट्ट का कहना है कि मानकों के बगैर डामर किया जा रहा है। उन्होंने गुणवत्ताहीन डामरीकरण करने का आरोप लगाया है। लोनीवी के जेई वेद प्रकाश ने बताया कि जहां गुणवत्ता में कमी पाई जा रही है, दोबारा डामरीकरण कराया जा रहा है। टनकपुर निवासी सचिन कुमार मौर्य के खाते से साइबर ठग ने 60,000 रुपए की ऑनलाइन ठगी कर ली। इसकी जानकारी उसने पुलिस को दी। एसपी के निर्देश पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए संबंधित यूपीआई और बैंक नोडल से संपर्क कर सचिन के खाते में ठगी की धनराशि वापस कराई। मेरे दिनांक 21/3/2023 को एक मोबाइल नंबर पे गलती से 60,000 रुपए ट्रांसफर हो गया था, जिसको साइबर सेल चंपावत की मदद से आज दिनांक 6/5/2023 को मेरा पूरा पैसा मेरे खाते में वापस आ गया। इसलिए मैं साइबर सेल चंपावत का आजीवन आभारी रहूंगा। बता दें कि पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के कॉल मैसेज से सावधान रहने का अनुरोध किया है। साथ ही ठगी का शिकार होने पर 1930 नंबर पर शिकायत करने को कहा है। खबरों को देखते रहने के लिए न्यूज इंडो नेपाल को सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। आप खबरों को हिंदी, अंग्रेजी और नेपाली भाषा में पढ़ने और देखने के लिए अभी डाउनलोड करें न्यूज इंडो नेपाल ऐप।